आज आम प्रस्तुत करने जार ना होची रोही माछर झोल। यही रेसीपीटी तो आम ओडिशा रे समस्ते घरे घरे बने थांती। यही रेसीपी रे मु आज किछि भी चेंजेस रखिबिनी, पूरा आमर साधा सीधा देसी स्टाइल आपण मानको बनेके देखेबी, जहाँ कि बनेबाकु आपण मानको बहुत सहज हेबो। आउ गरम भात को रोही माछर झोल बहुत स्वादिया रहिबो। नमस्कार, मो चैनल संगीता मिल्स रेडी को आपण मानको बहुत बहुत वेलकम करूछि। ताहले चालंतु आउ डेरी न करिकि आज सुपर टेस्टी रोही माछर झोल स्टार्ट करिबा। ये देखूँ मुझे गोटे के जी रोही माछ नहीं जाल भाव में धोईकी नहीं आसी। बर्तमान आम मछ को मैरिनेट करवा, तो से हलदी गुंड दे दूँगी, आ लुण दे दूँगी, आउ मु किछि लाल लंका गुंड दे दूँगी। बर्तमान ये सब देदेले एबे आम मछ को भल भाव गोल गोल सारिकी आम एमतिया पांच मिनिट छाड़ दबा। एबे गैस अन करकी फ्राई पैन नहीं जा, तो यहाँ मुझे नन स्टिक नहीं कम तेल देखी। ये दुई चमच सोरस तेल दे तेल को एमती चारिड़े टी करदे। आपण मैंने चाहिए भी बेस तेल दे कि भाजी पारे, तो ये तेल गरम हो गला। बर्तमान आम जो मछकू मेरिनेट कर रखी थे, बर्तमान मछकू सब दे कि भाजवा। मन रखिए एमतीया ही गैस को हाई फ्लेम रे ही तीन रु चार मिनिट पर्यंत रखिकी मछकू भाजबे। आटे सैड हो गला, आउ गोटे सैड को मैं भाजबे। तीन रु चार मिनिट गला परे लो टू मीडियम रे रखिकी माछ को पूरा लाल हेला पर्यंत भाजी नेबे। एट देखंतु मो दुई साइड को माछ को भाजी नै छी। वर्तमान हमर माछ हे गेलाणी, गोटे प्लेट को बाहर करनो बा। आहुरी भी एथिरे तेल अछि, तो मो आउ बड़का माछ जतिके अछि सब भी ताकू दे देबा। देके आमे सेम सेमती प्रोसेस रे भाजी नबा। तो एट देखंतु माछ मोर पूरा भजा हे गेला। वर्तमान आमे माछ को सब बाहर करके रखि नबा। एबे मु गैस ऑन करके कड़ई नहीं जाइए, तो कड़ई गरम हेला परे आमे इथरे तेल दबा। मु एठी सोरस तेल देइछि, दुई बड़ चमच सोरस तेल देइछि। तेल को टिके गरम करिया पई छाड़ीबा। आ तेल गरम हेला परे एठी दुईटा तेजपत्र दबा, आ अधा चमच जीरा दबा। तो एबे मु तीनटा प्याज को चॉप करके काटि नैथिली, वर्तमान प्याज को दे दबा। आ प्याज को मध्य गोल्डन कलर हेला पर्यंत भाजी नबा। वर्तमान ए प्याज रे मु लंका गुंड दूची, तरकारी बहुत बढ़िया कलर आसो। आई आम मसला दबा, ये मो अदा रसुण पेस्ट दुई चमच दूची, एमती दुई सेकेंड पर्यंत आम टे कषि नवा। बर्तमान दुई सेकेंड हो गला, ये मुझे बड़ साइज टमाटो को काटिकी रखी, टमाटो को देदेब। एवं आम मसला को टमाटो सांगे दुई रु तीन सेकेंड पर्यंत भल भाव कषा। तो ये आम देखु दुई रु तीन सेकेंड हो जाए मसलार, देखो आम टमाटो पूरा सीझी जा। बर्तमान आम मसलार मसला पाउडर दबा। मुझे अध चमच दे धनिया पाउडर, अध चमच हल्दी पाउडर, आउ ये मुझे लंका गुंड, यहाँ मुझे राग पाई देती, आपण मैंने स्किप करेंगे। आउ ये मुझे फिश मसला अध चमच, आउ स्वाद अनुसार लुण दे। बर्तमान आम पा टे आम दुई रु तीन मिनिट पर्यंत मसला को भल भाव कषि नवा। बर्तमान देखु आम दुई रु तीन मिनिट हो जाए मसला टी आसला। ये आलू काटिकी रखी थी, बर्तमान आलू को देदे। आलू सांगे आम मसला को भल भाव दुई रु तीन मिनिट पर्यंत कषा। आज रेसीपीटी जदि भल लगे गोटे लाइक करेंगे और सेयार करेंगे। जदि मो चैनल नुआ कि थे तेल सब्सक्राइब करने, सब्सक्राइब कला परे साइड रे थिबा बेल आइकन को क्लिक करने, जहाँफल कि आप नुआ नुआ रेसीपी नोटिफिकेशन जल्दी पाई। तो ये आम कुक करवा तीन रु चार मिनिट पर्यंत कभर दे बसईद। बर्तमान देखते कभर खोलिक आपण मानक देखा, हाफ हाफ आम आलु सीझी जा, मसला भी पूरा भल भाव हो गला। बर्तमान आम रोही मछर तो झोल बनाऊँ, से आम ए पा दबा। ये मुझे दुई ग्लास पा दे, तो ये आम कभर दे कि पाँच रु दस मिनिट पर्यंत पूरा फुटवाक छाड़ दबा। पाँच रु दस मिनिट हो गला, बर्तमान मुझे कभर खोलिक देखुची। देखते ये आम भल भाव आलु सीझी जा। बर्तमान आम जो मछ को भाजिक रखी थे, बर्तमान से मछ को सब देद देदेले। बर्तमान आम दुई रु तीन मिनिट पर्यंत एमती कुक करवा। देखु धनिया पतर से सजे। बर्तमान आम सुपर टेस्टी रोही माछर झोल प्रस्तुत हो जाए। आपण मैंने निश्चय घरे बनई देखिए, आ मत निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट देवे। आज रेसीपी जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। रोचे फिर आसबि आउ गोटे रेसीपी नहीं। नमस्कार, बाय।